पोज समझेंगे, व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज। अगर आप ध्यान दें कि मैंने इस बॉडी को एक वेस्ट शेप पे रखा और ये स्लाइड कर रहा है, लेकिन चलो मैं थोड़ा सा इसको और टिल्ट करता हूँ, थोड़ा सा और एंगल को मैंने यहाँ पे देखो, एंगल में किसके साथ बोल रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल के साथ में और इस इंक्लाइन प्लेन के साथ में। इस शेप को आप वैसे समझ लो वेज है। अगर मैं इस एंगल को छोटा करते जा रहा हूँ तो एक पॉइंट ऐसे आ रहा है कि जब ये स्लाइड नहीं कर रहा है। लेकिन आप अभी जस्ट ऑब्जर्व करिए, मैं यहाँ पे एक इरेजर रख देता हूँ तो वो इसी पे स्लाइड कर रहा है। वो एंगल जिस पे बॉडी स्लाइड ना करे, सपोज इस इरेजर के लिए, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं ऐसे कर रहा हूँ, एक पॉइंट ऐसे आएगा, सोचो मैं इसको ऐसे ऐसे घुमाने वाला हूँ, इस बुक को मैं ऐसे घुमाने वाला हूँ, एक पॉइंट पे अब ये स्लाइड करना स्टार्ट कर रहा है। दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज, जब ये नीचे स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा। और वो दोनों हर बॉडीज के लिए अलग अलग होगा, डिपेंडिंग कि इस बॉडी का इस बॉडी के साथ कितना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। बेटे चलो मैं देखता हूँ, मैं आपको एक सिंपल सी बात करके समझाता हूँ कि अगर मैंने बॉडी इस बॉडी को चुना है तब हो सकता है एंगल काफी छोटा है क्योंकि ये स्मूथ है थोड़ा और ये थोड़ा सा रफ है, तब मुझे एंगल ज्यादा मिला। तो आपको ये समझ आ गया कि जो रफ सर्फेस है उनके लिए एंगल ऑफ रिपोज ज्यादा होगा और जो स्मूथ सर्फेस है उनके लिए एंगल ऑफ रिपोज विल बी स्मॉल। अब इसको समझने के लिए हम चाहे तो कंपोनेंट यूज कर सकते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल मैं इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन का एक केस लेता हूं, हाँ क्योंकि ये जस्ट चलने वाला है। अब बेटा देखो इस केस में आप ऐसे सोचो, नीचे की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड mg लग रहा है और ये कंपोनेंट आ रहा है mg sin थीटा, दिस इज थीटा, mg sin थीटा नीचे। नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन और mg cos थीटा, देखो बेटा mg ऐसे लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड बट प्लेन के अंदर ऐसे mg cos थीटा कंपोनेंट आएगा। देखो बेटा मैंने mg को ब्रेक कर दिया, mg को मैंने ऐसे ब्रेक किया अलोंग द प्लेन, ऐसे परपेंडिकुलर टू द प्लेन mg cos थीटा और अलोंग द इंक्लाइन mg sin थीटा। अब सिंस इसका ऐसे मोशन पॉसिबल नहीं है तो mg cos थीटा विल बी इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन। अब नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg cos थीटा। अब मुझे पता है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू इंटू एन, यानी म्यू इंटू mg cos थीटा विल बी इक्वल टू mg sin थीटा। अगर आप इस दोनों को इक्वेट कर दोगे तो यू विल गेट म्यू इक्वल टू tan थीटा। हम लोग को थीटा और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में रिलेशन मिल गया और उस जैसे हमें म्यू मिलता है हम निकाल सकते हैं किस एंगल पे म्यू इक्वल टू tan थीटा पे ये बॉडी स्लाइड कर जाएगी अगर थीटा उससे बड़ा हुआ तो, और tan थीटा पे जस्ट लिमिटिंग केस रहेगा, उससे छोटे पे ये स्लाइड नहीं करेगी। अगर हमने एंगल सपोज इस एंगल पे ये स्लाइड करने वाली थी, जस्ट थोड़ा सा एंगल बढ़ाओगे तो नीचे और थोड़ा सा एंगल कम करोगे तो वहीं रहेगी। दैट वॉज एंगल ऑफ रिपोज फॉर यू।